हेलो एवरीवन, आज हम रेशनल नंबर देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। सबसे पहले हम रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे। इन द रेशनल नंबर पी बाई क्यू वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0. P and Q are integers and Q is not equal to 0. So यहाँ हम P और Q को क्या कहते हैं? So P is called numerator. P is called numerator and Q is called denominator. So, P और Q को हम क्या कहते हैं? P को हम न्यूमरेटर कहते हैं और Q को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है यहाँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? सो पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है हमारे पास, A rational number is positive if its numerator and denominator have same signs. तो कहने का मतलब है कि किसी भी रेशनल नंबर P बाई क्यू में यदि P और Q का साइन सेम हो तो उसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। सो हम यहाँ अब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सो सबसे पहले हमने एक रेशनल नंबर लिया है 2/3। इसके बाद हम लेंगे -2/-3, अगेन -11/-7, इसके बाद हम लेंगे 11/7 etc। सो यहाँ हमने जो रेशनल नंबर 2/3 लिया, यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव। अगेन जो हमने लिया है -11/-7, यहाँ इस रेशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, अगेन यहाँ 11/7 में बोथ आर पॉजिटिव। सो इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन यहाँ सेम है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। सो अब हम देखेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स। सो नेगेटिव रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? A rational number is negative if its numerator and denominator have opposite signs. So negative rational numbers, a rational number is negative if its numerator and denominator have opposite signs. यानी कहने का मतलब है कि यदि numerator और denominator का sign जो है opposite हो तो उसे हम negative rational numbers कहते हैं। So यहाँ हम negative rational numbers के कुछ examples लेंगे। हमने सबसे पहले लिया -3/2, इसके बाद हमने लिया 3/-2, अगेन 5/-8, अगेन -5/8 etc. आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे -3/2, यहाँ न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अगेन 3/-2 में न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। सो 5/-8 में न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव। अगेन यहाँ न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। सो हम देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही साइन अपोजिट है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी रेशनल नंबर्स नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। सो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ, if M is a non-zero integer and P by Q is a rational number,
देन P बाई क्यू इज इक्वल टू P इंटू एम डिवाइडेड बाई Q इंटू एम एंड P बाई क्यू इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई M बाई Q डिवाइडेड बाई M होगा. सो इफ M इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड P बाई क्यू इज एनी रेशनल नंबर. अगर M कोई नॉन जीरो इंटीजर हो और P बाई क्यू कोई रेशनल नंबर हो सो P बाई क्यू इज इक्वल टू P इंटू एम डिवाइडेड बाई Q इंटू एम होगा और P बाई क्यू इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई M बाई Q डिवाइडेड बाई M होगा. यानी P बाई क्यू का जो वैल्यू होगा P इंटू एम डिवाइडेड बाई Q इंटू एम के बराबर होगा. इसी तरह से P बाई क्यू का जो वैल्यू होगा P डिवाइडेड बाई M बाई Q डिवाइडेड बाई M के वैल्यू के बराबर होगा. और इस तरह से जो भी रेशनल नंबर्स हमें मिलेंगे उन्हें हम इक्विवेलेंट टू P बाई क्यू कहेंगे. सो यहाँ ये दोनों ही रेशनल नंबर्स P इंटू एम डिवाइडेड बाई Q इंटू एम और P डिवाइडेड बाई M बाई Q डिवाइडेड बाई M इज इक्विवेलेंट टू P बाई क्यू. P इंटू एम बाई Q इंटू एम एंड P डिवाइडेड बाई M बाई Q डिवाइडेड बाई M are rational numbers each equivalent to P by Q. So P into M divided by Q into M और P divided by M by Q divided by M दोनों ही जो rational numbers हमारे पास हैं यहाँ ये दोनों ही equivalent to P by Q कहे जाएंगे. So अब हम एक property देखेंगे. Let A by B and C by D are two rational numbers. So यदि A by B और C by D हमारे पास दो rational numbers हो such that इस तरह से हो कि A by B equal to C by D है तो this implies A into B is equal to B into C होगा. So इस तरह से यदि दो rational numbers आपस में बराबर हैं so numerator of the first rational number into denominator of the second is equal to denominator of the first rational number into numerator of the second. That is A into D is equal to B into C होगा. So conversely भी true है. Conversely, if A into D is equal to B into C है, यदि A into D B into C के बराबर है, this implies A divided by B is equal to C divided by D होगा और A divided by C is equal to B divided by D होगा etc. So इस तरह से यदि A into D is equal to B into C है so A by B is equal to C by D होगा और A by C is equal to B by D भी होगा. Standard form of a rational number. So किसी भी rational number का standard form क्या होता है. So यहाँ definition देंगे हम. A rational number P by Q is said to be in a standard form if condition है हमारे पास P and Q have no common divisor. If P and Q have no common divisor, ब्रैकेट में हम लिखेंगे फैक्टर, क्योंकि यदि कॉमन डिविजर होगा तो फैक्टर भी होगा. other than one. एंड दूसरा जो कंडीशन है हमारे पास Q is positive. सो यहाँ अ रेशनल नंबर P by Q is said to be in a standard form. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी रेशनल नंबर को कब कहेंगे. सो यहाँ कंडीशन वन जो है P एंड Q हैव नो कॉमन डिविजर ऑब्लिक फैक्टर अदर देन वन. यानी P और Q का जो कॉमन डिविजर हो सिर्फ वन हो या कॉमन फैक्टर जो हो वो सिर्फ वन हो. और दूसरा जो कंडीशन है Q जो हो वो पॉजिटिव हो. चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम देखते हैं. 3/7 इज अ रेशनल नंबर. 3/7 इज अ रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. 3/7 इज अ रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज 3 and 7 हैव नो कॉमन डिविजर
no common divisor oblique factor other than one, other than one, and 7 is positive. So यहां हम कह सकते हैं कि 3/7 जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सो 3/7 इज अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि 3 और 7 का 1 के सिवाय कोई कॉमन डिवीजर नहीं है, या यूं कहें कि 3 और 7 का 1 के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. एंड 7 इज पॉजिटिव, और 7 जो है वो पॉजिटिव है. सो यहां हम कह सकते हैं कि 3/7 इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. सो हमारे पास एक रेशनल नंबर 3/-5 है, जो कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है. सो इसे हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. सो 3/-5 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 3 × -1 / -5 × -1, क्योंकि पहले हमने कहा कि इफ p/q इज एनी रेशनल नंबर एंड m इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, देन p/q इज इक्वल टू p×m / q×m होगा. सो इसी तरह से हम यहाँ 3/-5 को 3 × -1 / -5 × -1 लिख सकते हैं. सो इज इक्वल टू यहाँ होगा -3, नीचे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में 5. 3 एंड 5 हैव नो कॉमन डिवीजर ऑब्लिक फैक्टर. सो यहाँ 3 एंड 5 हैव नो कॉमन डिवीजर ऑब्लिक फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1. सो 3 और 5 का 1 के सिवाय कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है या कॉमन फैक्टर नहीं है. एंड 5 इज पॉजिटिव, जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है. 5 इज पॉजिटिव. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3/-5 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -3/5 है. यहाँ -21/36 एक रेशनल नंबर है जो कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. तो सबसे पहले हमें HCF निकालना होगा 21 और 36 का. सो HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, सो HCF ऑफ 21 एंड 36. सो सबसे पहले यहाँ हम देखें, एज 21 इज लेस देन 36, सो सबसे पहले हम 36 को 21 से डिवाइड करेंगे. सो 21 1 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, 21 यहाँ 5 यहाँ 1, सो रिमाइंडर जो है 15 है. सो रिमाइंडर हमारा डिवीजर बनेगा और न्यू डिविडेंड जो है वो 21 होगा. सो यहाँ 21 को हमने बेस किया, सो 21 डिविडेंड है और डिवीजर जो है, रिमाइंडर जो हमारा 15 है वो डिवीजर हो. सो ये 1 टाइम्स में जाएगा. सो यहाँ 15, अगेन हमें यहाँ 6 मिलेगा. सो रिमाइंडर जो है 6 है, रिमाइंडर हमारा डिवीजर बनेगा और न्यू डिविडेंड जो है वो 15 होगा. सो यहाँ हम इसे 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, सो 12 यहाँ हमारा रिमाइंडर जो है 3 हो गया. सो रिमाइंडर जो है हमारा डिवीजर बनेगा और न्यू डिविडेंड जो होगा वो 6 होगा. सो इस तरह से 2 टाइम्स में हम इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, यानी 3 जो है ये हमारा HCF हुआ 21 और 36 का. सो HCF ऑफ 21 एंड 36 इज इक्वल टू 3. सो HCF जो हुआ 21 और 36 का वो 3 हुआ. अब हम -21/36 को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें. -21/36 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसे -21/3/36/3. सो अब हम यहाँ इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 21 और 36 के HCF से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ हमें मिलेगा -7/12. सो जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ 7 और 12 का 1 के सिवाय कोई दूसरा कॉमन डिवीजर नहीं है, और 12 जो है वो पॉजिटिव है. सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि -21/36 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है -7/12 है. सो इस तरह से हमने -21/36 को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया. -21/36 इज इक्वल टू -7 × 3/12 × 3, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हमें मिलेगा -7/12. सो 7 और 12 का यहाँ कॉमन डिवीजर सिर्फ 1 है, और 12 जो है डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव है. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि -21/36 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -7/12 हुआ. सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 36/-63 है, हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे चेंज करना है. सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 36 एंड 63. सो HCF ऑफ
36 एंड 63. सो 36 इज लेस देन 63. सो यहाँ 36 से हम 63 को डिवाइड करेंगे. सो ये वन टाइम्स में डिवाइड होगा. यहाँ 36 सबसे पहले यहाँ 7 होगा, इसके बाद यहाँ 2. अब 27 जो कि हमारे पास रिमाइंडर है, ये न्यू डिविजर बनेगा और 36 जो है वो डिविडेंड बनेगा. सो यहाँ वन टाइम्स में डिवाइड होगा यहाँ 27. सो हमारे पास जो यहाँ रिमाइंडर बचेगा सिर्फ 9 बचेगा. सो 9 जो है अब न्यू डिविजर होगा और 27 जो है डिविडेंड का काम करेगा. सो 9 3 27. सो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, यानी ये 9 जो है वो 36 और 63 का HCF हुआ. सो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 36 और 63 का जो है HCF ऑफ 36 एंड 63 इज 9. सो हमने यहाँ HCF निकाल लिया है 36 और 63 का. अब हम 36 बाई माइनस 63 को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. सो हमारे पास जो रेशनल नंबर 36 बाई माइनस 63 है, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा. सो 36 बाई माइनस 63 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 36 इंटू माइनस 1 बाई माइनस 63 इंटू माइनस 1. जैसा कि हमने कहा कि इफ p बाई क्यू इज एनी रेशनल नंबर एंड m इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, देन p बाई क्यू इज इक्वल टू p इंटू m डिवाइडेड बाई q इंटू m होगा. सो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं माइनस 36 बाई 63. सो यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हुआ. सो अब हम इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. सो यहाँ माइनस 36 बाई 63 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 36 डिवाइडेड बाई 9. सो इसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को हम इसके HCF से डिवाइड करेंगे. सो 63 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू यहाँ हमें मिलेगा माइनस 4 बाई 7. जैसा कि 4 और 7 का 1 के सिवा यहाँ कोई भी कॉमन डिविजर नहीं है और 7 जो है पॉजिटिव है, दैट इज हम कह सकते हैं कि 36 बाई माइनस 63 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो माइनस 4 बाई 7 है. सो यहाँ 36 बाई माइनस 63 के डिनोमिनेटर को जब हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था, सो हमें मिला माइनस 36 बाई 63 इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं माइनस 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9 इज इक्वल टू हमें मिलेगा अल्टीमेट माइनस 4 बाई 7. यहाँ 4 और 7 दोनों का ही कॉमन डिविजर सिर्फ 1 है और 7 पॉजिटिव है. सो इस तरह से हम कह सकते हैं 36 बाई माइनस 63 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है माइनस 4 बाई 7 है. इस तरह से हमने 36 बाई माइनस 63 को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया.